एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, खुश होंगे और सुरक्षित एकदम अपने घर पर ही होंगे। सो, जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस चारों तरफ फैला है, इस सिचुएशन में बाहर रेस्टोरेंट जाके अपना यमी यमी फेवरेट खाना खाना मुश्किल हो जाता है। तो वन ऑफ माई फेवरेट खाना जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है चाइनीज़ रेस्टोरेंट स्टाइल, जो चिकन चिली होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो और यहाँ पे यूएसए में आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाओ, वो उस स्टाइल का चिकन चिली आपको मिलता नहीं है। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, इस लॉकडाउन में आप लोग भी अच्छी तरह से बना के खाइए, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चलिए, बहुत ही इजी वे में मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूं फ्राइड राइस, वेज फ्राइड राइस, मशरूम चिली और चिकन चिली। चलिए फिर देखते हैं किस तरह से मैं यहाँ पे मैं पहले मशरूम चिली बना रही हूँ। इसके लिए मैंने पैन को गरम करने के लिए रख दिया है और इसमें अराउंड 2 to 3 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल डाली हूँ। और सबसे पहले जो मशरूम है उसे 4 पीस में, एक मशरूम को 4 पीस में कट कर लेना है और इसे फ्राई करना है। याद रखें कि मशरूम को ज़्यादा छोटे पीसेस में मत काटिए, क्योंकि ये मशरूम चिली अदरवाइज़ अच्छा नहीं लगता है जब तक आप मशरूम को फील ना करें। तो हमें थोड़ा सा फ्राई कर लेना है जब तक कि मशरूम से जो एक्स्ट्रा जो पानी है पूरा निकल ना जाए। अब देखिए एकदम फ्राई हो गया है, ब्राउनिश कलर आ गया है और पानी एकदम बिल्कुल सोक आउट हो गया है। अब मैं इसे अलग से एक कंटेनर में निकाल के रख दूँगी और इस तरह से फ्राई करने से बहुत ही अच्छा लगता है इसका फ्लेवर। वही पैन मैंने यूज़ किया है और इसमें अराउंड अगेन 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है, थोड़ा सा जो हरी मिर्ची है काटा है, काट के डाला है, और 1 स्पून इसमें गार्लिक और 1 स्पून जिंजर काट के मैं ऐड कर रही हूँ। चिली में गार्लिक और जिंजर का फ्लेवर अगर ना हो तो मज़ा नहीं आता है, कोई भी पनीर चिली, कोई भी चिली आप खाते हो तो। तो इसमें मैं हाफ प्याज, कुछ जो रेड बेल पेपर, ग्रीन बेल पेपर और येलो बेल पेपर जो भी हो आप चॉप करके उसमें ऐड कीजिए और टिल 5 मिनट्स तक आप इसे फ्राई कीजिए। अब फ्राई होने के बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून चिंग का सॉस ऐड करेंगे। इससे इसका फ्लेवर कोई भी चिली में ऐड करने से बहुत ही अच्छा आता है। तो सॉस डालने के बाद इसमें मैं अराउंड 1/2 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर ऐड करूँगी। ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करूँगी। फिर इन सब मसालों को मैं थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसमें अराउंड 1 स्पून सोया सॉस ऐड करूँगी और इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। और साथ में मैं इसमें अराउंड 2 टेबल स्पून टोमेटो सॉस ऐड करूँगी। याद रखिए कि इसमें हमें सॉस को अच्छी तरह से फ्राई करना है, अदरवाइज सॉस का एक कच्चापन फ्लेवर आता है जिससे एकदम इसका जो टेस्ट है बिगड़ जाता है। तो अराउंड 5 मिनट्स तक हमें फ्राई करना है पानी डाल के। और देखिए फ्राई होने के बाद मैं इसमें जो फ्राई किया हुआ जो मशरूम है ऐड कर दूंगी और इसे भी अराउंड मैं 5 to 10 मिनट्स तक पकने के लिए दूंगी। और गैस का जो फ्लेम है मीडियम फ्लेम में रखिएगा। तो देखिए एकदम फ्राई करने के बाद कितना अच्छा चिली बना है और बहुत ही यम्मी लगता है। तो अब मैं इसे अलग कंटेनर में रख लूँगी और मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही यम्मी रेस्टोरेंट स्टाइल का बना है, बहुत ही यम्मी और घर के जो सामान है उसी से ही कितना अच्छा बन गया है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो
अब चिकन चिली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 pound चिकन लिया है, इसको छोटे पीसेस में कट करवा के लाया है और ये मैंने बोनलेस चिकन का यूज़ यहाँ पे मैं कर रही हूँ। अब इसमें मैं एक अंडा को तोड़ के इसमें डाल दूँगी और इसके बाद मैं यहाँ पे 2 spoons मैदा डाल रही हूँ। आप कोई भी फ्लोर डाल सकते हो, लाइक ऑल पर्पज़ फ्लोर। सो उसके बाद मैं इसमें अराउंड 1 spoon जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी। इसके बाद मैं इसमें अराउंड 1 spoon सोया सॉस ऐड करूँगी। इसमें मैं एक फूड कलर यूज़ कर सकती हूँ, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, इससे इसका कलर और टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। और इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ। अब मैं इन सब चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए कितना अच्छा से मिक्सअप हो जाता है और मिक्सअप कलर देने से जो ये मिक्स करने के बाद एक बहुत ही अच्छा कलर आता है। तो चलिए अच्छी तरह से इसे मिक्स कर ले और देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है। और इसे हम अराउंड 6 hours के लिए एल्युमिनियम फॉयल से ढक करके फ्रिज में रख देंगे। सो आफ्टर 6 hours के बाद हमें इसे फ्राई करना है, तो मैंने यहाँ पे तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है और ऑयल को जब भी आप फ्राई करें मीडियम फ्लेम में रखना है। तो इस तरह से हम एक एक पीस को चिकन को इस तरह से इसमें डालेंगे। अगर आपको लगता है कि मैदा थोड़ा सा कम हुआ है तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड कर सकते हैं चिकन में, उसके बाद आप फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसे मीडियम फ्लेम पे इस तरह से फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा से फ्राई होके आ रहा है और बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो मैं अलग से एक टिश्यू पेपर में निकाल के रख दूंगी ताकि जो भी एक्सेसिव जो ऑयल है वो इसमें सोक आउट हो जाए। सो देखिए ये चिकन बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई होके आ गया है और ये जो रेस्ट ऑफ द पीसेस जो चिकन के लेफ्ट थे वो भी मैंने फ्राई करके अलग से निकाल के रख लिया है। तो देखिए कितना अच्छा जूसी चिकन फ्राई हो गया है। और अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सो मैंने यहाँ पे पैन में अराउंड 3 spoon ऑयल डाला है। इस पर मैंने हरी मिर्च ऐड करी हूँ, चिकन चिली में थोड़ा स्पाइसी तो बनता ही है, तो इसमें 1 spoon जिंजर और 1 spoon गार्लिक मैं ऐड करी हूँ। चिकन चिली में गार्लिक का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो गार्लिक थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करें। तो और फ्लेम याद रखें थोड़ा धीमा रखें। तो यहाँ पे मैंने ऑनियन और ग्रीन रेड पेपर्स बेल पेपर्स जो भी हैं आपके पास वो ऐड करें, और अगर आपके पास नहीं हो तो आप सिर्फ ऑनियन भी ऐड कर सकते हो। इसमें मैं अराउंड 2 spoon चिंग सॉस ऐड कर रही हूँ और थोड़ा फ्राई कर लें। इसके बाद मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैं अराउंड 2 spoon सोया सॉस ऐड कर रही हूँ क्योंकि पहले भी मैंने सोया सॉस ऐड किया था। और यहाँ पे मैं 1 spoon चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। सो इन सबको थोड़ा देर फ्राई कर ले क्योंकि ये सॉस का जो एक कच्चा सा स्मेल आता है फ्राई करने से चला जाता है। तो यहाँ पे मैं अगेन 1/2 spoon गार्लिक पाउडर ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने बोला था कि चिली में जब तक एक लहसुन का फ्लेवर नहीं आए तब तक मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं अराउंड 2 spoon टोमेटो सॉस ऐड कर रही हूँ। तो इसे अगेन 5 minutes तक फ्राई कर ले। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और फ्राई करेंगे और हमें अराउंड अगेन
5 टू 10 मिनट्स तक फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने कॉर्न स्टार्च लिया है, अराउंड 2 स्पून कॉर्न स्टार्च और पानी को एक साथ मिक्सअप करके मैं इसमें डाल रही हूँ। जब आप कॉर्न स्टार्च डालें तब आप फ्लेम थोड़ा सा लो कर लीजिए, अगर अदरवाइज जो कॉर्न स्टार्च है वो पैन में लग सकता है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और कॉर्न स्टार्च को भी थोड़ी देर हमें पकाना है। सो देखिए कितना अच्छा एक थिकनेस आपको दिखाई दे रहा है और ये थिकनेस बहुत ही अच्छा लगता है चिकन चिली में। तो थोड़ा थोड़ा पानी दे के हम कॉर्न स्टार्च और सॉस के फ्लेवर को थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे और पकाएंगे। सो अब मैं इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक ऐड करी हूँ, क्योंकि चिकन चिली को फ्राई करते वक्त मैंने उसमें नमक मिलाया था, तो इसमें अभी मैं थोड़ा नमक ऐड करी हूँ। और ये रहा, पक गया है और हमें जो फ्राई किए थे चिकन को, अब इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रहे हैं। तो देखिए पानी का मात्रा भी एकदम बिल्कुल अच्छी है, अच्छी तरह से है, और ये जो चिकन है इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे। सो देखिए बहुत ही यमी है होता है ये। और थोड़ा 5 मिनट के लिए थोड़ा सा पानी दे के हम मीडियम से थोड़ा कम फ्लेम में डाल के, और थोड़ा सा गार्लिक मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, और ढक के अराउंड 10 मिनट्स के लिए हम थोड़ा सा पकने के लिए रख देंगे। तो देखिए एकदम 10 मिनट्स के बाद ये रेडी हो गया है और थिकनेस आप देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लग रहा है और बहुत ही अच्छा कलर, बहुत ही यमी बना है। सो चिकन चिली और मशरूम चिली विदाउट फ्राइड राइस का तो मज़ा नहीं आता है, और मैं यहाँ पे फ्राइड राइस बना रही हूँ। इसमें मैं ऑयल पैन में डाली हूँ और कुछ फाइन चॉप्ड ऑनियंस है उसे मैं ऐड कर रही हूँ। सो टिल 5 मिनट्स तक हमें फ्राई करना है। उसके बाद फ्राई करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा चॉप्ड गाजर है वो ऐड कर रही हूँ, और इसमें मैं थोड़ा सा जो बेल पेपर से छोटे छोटे पीसेस में कट करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा मैं इसमें ग्रीन पीस ऐड कर रही हूँ। सो हमें इसे अराउंड 5 मिनट्स तक फ्राई करना है, और ये देखिए एकदम फ्राई हो गया है। सो मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ, और इसमें मैं थोड़ा सा गार्लिक पाउडर ऐड कर रही हूँ, और इसमें मैं थोड़ा सा चिंग्स जो मसाला है, चिंग्स फ्राइड राइस मसाला है, ऐड की हूँ। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे राइस को अलग ही अलग से थोड़ा सा उबाल के रख लिया था, तो मैं इसे एक साथ डाल के फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए राइस एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा है, कलरफुल लग रहा है और एकदम फ्राई हो गया है। सो हमारा जो फ्राइड राइस है कितना झटपट तैयार हो गया है, और अब हमें इसे सर्व करना है। तो इधर मैं राइस को डाल दी हूँ, और वो रहा चिकन चिली मैं ऐड कर रही हूँ, साथ में मैं थोड़ा सा मशरूम चिली ऐड कर रही हूँ। तो श्योरली आप रेसिपी ट्राई कीजिएगा, और अगर रेसिपीज़ अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो देखिए यमी डिनर तैयार हो गया है। सो अगर आपको ये वीडियो, आज का वीडियो मेरा ये अच्छा लगा होगा, तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करना ना भूलें, और मेरे इस छोटे से फैमिली को अपने प्यार से थोड़ा और बड़ा कर दीजिए। सो चलिए तब मिलती हूँ एक और अच्छे वीडियो के साथ, एक और अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।